क्या क्या दोष खत्म होते हैं घर में मछली रखने से। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे एक्वेरियम और वास्तु। आप सबका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। आज हम जानेंगे कि क्या क्या दोष खत्म होते हैं घर में मछली रखने से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी चमत्कारी टोटके बताएंगे जिससे आपका जीवन खुशहाल और मालामाल हो जाएगा। दोस्तों, जानते हैं आज एक्वेरियम और वास्तु क्या संबंध है इन दोनों में। क्या सच में घर में मछली रखने से दोष खत्म हो सकते हैं? घर पर मछलियों का होना वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ लाभ देने वाला होता है। इसीलिए आपके लिए इस बात को जानना जरूरी है कि मछलियों को घर पर रखने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। घर में आप मछलियों को उनके एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि फिश एक्वेरियम में पूरी 9 मछलियां होनी चाहिए, न कि 8। जी हाँ दोस्तों, फिश एक्वेरियम में पूरी 9 मछलियां होनी चाहिए, न कि 8। साथ ही घर के किसी एक ही इंसान को उन्हें खाना देना चाहिए। मछलियों की जगह एक ही जगह पर होनी चाहिए। यदि आप घर के वास्तु दोष को खत्म करना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। आइए जानते हैं क्या क्या दोष खत्म होते हैं घर में मछली रखने से। पहला, घर पर मछलियों को पालने से घर और ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरा, मछली शगुन का प्रतीक होती है और घर में बुरी नजर नहीं लगती है, इसीलिए जरूर अपने घर में मछली रखें। तीसरा, मछलियों को दाना देने से कार्य में प्रगति होती है और ऊर्जा का संचार होता है। चौथा, ऑफिस या बाहर से घर में आने के बाद मछलियों को देखने से आपके शरीर और दिमाग को आराम मिलता है। पांचवा, मछलियों को घर पर रखने से ची नामक ऊर्जा आती है जो आपकी सेहत और धन को बढ़ाती है। छठा, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके द्वारा पाली गई मछलियों की प्राकृतिक मौत होती है तो इससे आपकी कई सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। सातवां, मछलियों को देखने से हमारे अंदर उमंग और प्रोत्साहन आता है, क्योंकि मछलियां बेहद एक्टिव होती है और उनका अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ती है। आठवां, पैसों की समस्या हो या घर और ऑफिस की दिक्कतें, ये समस्याएं वास्तु दोष के कारण आती हैं। इसलिए घर में मछलियों को रखने से ये परेशानियां खुद से ठीक होने लगती है। नौवां, घर पर मछलियों का एक्वेरियम रखने से घर के अंदर का वातावरण में खुशी रहती है। रंगीन मछलियां आपके जीवन को भी रंगीन बनाती है। दसवां, वास्तु के अनुसार फिश एक्वेरियम को घर के वरांडे के साउथ वेस्ट कोने में रखना चाहिए और ये कोना ऐसा हो जिससे घर में आने वाला हर इंसान की नज़र फिश एक्वेरियम पर पड़ सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक्वेरियम से जुड़ी कुछ खास बातें। मछलियों के एक्वेरियम को हमेशा प्राकृतिक रोशनी के नीचे रखें। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है और सारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक्वेरियम में यदि नारंगी रंग की मछलियां ज़्यादा हैं तो वहां एक काली मछली को भी ज़रूर रखें। लाल और काली रंग की मछलियां खुशहाली का प्रतीक होती हैं। चीनी वास्तुशास्त्र की माने तो घर पर मछलियों को रखने से ची नामक स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा आती है। नियमित मछलियों को दाना देने से शरीर के अंदर सकारात्मक और ऊर्जा देने वाले विचार आते हैं। वास्तु में मछलियों को शुभ माना जाता है। ऐसा लगता हो कि भाग्य साथ नहीं दे रहा और हर तरफ से निराशा लग रही हो तो कांच के बने एक्वेरियम को अपने घर पर स्थापित जरूर करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह घर में मछली रखने से क्या क्या दोष खत्म हो सकते हैं। इसी तरह के और जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए चमत्कारी टोटके और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
चमत्कारी टोटके।